बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। इस नारे के ऊपर 2014 में जितने भी देश के युवा बेरोजगार थे, मजदूर थे, श्रमिक थे, सबने देश में 2014 में ऐसी सरकार चुनी इस उम्मीद के साथ कि सबके घर में रोजगार रोटी होगी और खुशहाली होगी। लेकिन इस सरकार के 5 साल पूरे होने में मात्र कुछ महीने बचे हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 2019 का चुनाव सर पर खड़ा है और अब की बार नारा है बेरोजगारों की तरफ से, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार आखिर किसकी सरकार, यानी कि अब किसकी सरकार लाएं कि जो इन बेरोजगारों को रोजगार रोटी और खुशहाली इनकी जिंदगियों में दे पाए। ये मेरा कहना नहीं है, आज का अगर आप इंडियन एक्सप्रेस न्यूज उठाएंगे, आज का पेपर है पेज नंबर 13, मैं आपको दिखा रही हूं इसको, अगर आप उठाएंगे तो सी एम आई ई, जिसे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी कहते हैं, पेशावर एक कंपनी है, 1976 से ये देश की आर्थिक जो है चीजों के ऊपर सर्वे करती है और अपने आंकड़े जारी करती है, जो इन्होंने इस बार भी किए, जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिएगा इसको, ये देखिए, ये आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, पेज नंबर 13 आप लीजिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेस टू 27 मंथ्स हाई, यानी कि 27 महीनों में बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो अपने चरम सीमा पर है। लेबर पार्टिसिपेशन गोज डाउन, यानी कि श्रमिकों को में कमी आई है। और इसके आंकड़े आप देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पार्टिसिपेशन रेट जो है 2016 में अगर आप देख रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.46 था 16 में। आपको याद होगा देश में नोटबंदी थोप दी गई थी एक तानाशाही तरीके से, जिसके कारण सितंबर से नवंबर में जब बेरोजगारी बढ़ी तो आंकड़े उस साल के 16 के ये दिखाते हैं। दिसंबर आते आते जो बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 7.38 हो गया है। और जो श्रमिक हैं, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, श्रमिक जो हैं वो 47 करोड़ अगर थे तो वो 45 करोड़ पर आ गए, 45 करोड़ से 43 करोड़ आ गए लेबर पार्टिसिपेशन, और अब 47 से 2016 से आप देखेंगे तो 42 करोड़ आ गए, यानी कि लगभग लगभग 5 करोड़ ग्रामीण जो हमारा रूरल श्रमिक है वो कम हुआ है। यहां आप देखेंगे रोजगार, 2016 में अगर 41 करोड़ लोगों के पास रोजगार था तो सीधा अगर आप यहां देखेंगे 2018 में 39 करोड़ लोगों के पास जो है वो रोजगार रह गया है, यानी कि लगभग लगभग इसमें जो बताते हैं कि 1 करोड़ 9 लाख लोगों ने 2019 आते आते अपना रोजगार खो दिया है। ये आर्टिकल आया है अकॉर्डिंग टू CMIA डेटाबेस, उसके आंकड़े हैं, पढ़िएगा, पूरी जानकारी हासिल करिएगा, क्योंकि चुनाव आ रहा है, राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होगा, राष्ट्रीय मुद्दों में देश की बेरोजगारी एक सबसे बड़ा देश का मुद्दा है। हम तो चाहते हैं मुद्दों पर बात हो, कौन मुद्दों से भाग रहा है? वो भाग रहा है जिसकी जवाबदेही थी, जिसने नारा दिया था बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। उस मोदी सरकार 5 साल पूरे करने के बाद आज की हकीकत यह है कि मात्र एक साल में 1 करोड़ 9 लाख लोग अपनी नौकरियां खो देते हैं, और इसका सबसे ज्यादा असर जो है वो ग्रामीण भारत पे आया है। श्रमिकों की नौकरियां गई हैं, जो शहर है वहां अगर आप बताते हैं कि हमने शहरों में कंपनियों ने निवेश जो किया है, उन्होंने मान लीजिए 10 लोगों को नौकरी अगर दी है शहरों में, तो वही ग्रामीण भारत में 8 श्रमिकों की नौकरी छीनने का भी काम भारत की मोदी सरकार ने किया है। यानी कि कुल मिलाए तो के शहरों में बड़ी कंपनियों ने 10 लोगों को रोजगार दिया और ग्रामीण भारत में 8 लोगों की नौकरियां छीन ली गई, तो कुल मिलाए तो मात्र 2 लोगों को रोजगार मिला, मात्र 2 लोगों को। लेकिन केंद्र एक आंकड़ा दिखाती है, देखिए शहरों में निवेश आ रहा है, कंपनियां आ रही हैं और 10 लोगों को मान लीजिए नौकरी मिली है, लेकिन वो ग्रामीण भारत का आंकड़ा आपसे हमसे छुपाती है।
जो आंकड़ा जो है हमारे CMIE ने, जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने पेश किया है, वो बताता है। और इसका सर्वे जो है वो एक दो या 1,000-2,000 लोगों पर नहीं किया गया, ये सर्वे 158,000 घरेलू घरों पे किया गया। घर घर जाकर 158,000 परिवारों में बात की तो ये सच्चाई सामने आई कि जिनके पास 2018 में कुछ दिन के लिए भी रोजगार था, उन्हें रोजगार बता दिया गया था, लेकिन वो मजदूर थे। मान लीजिए एक बिल्डिंग बन रही है, एक पुल बन रहा है, 2018 में उनके पास रोजगार था, जैसे ही वो बिल्डिंग, वो निर्माण पूरा हुआ, वो वापस बेरोजगार हो गए हैं। यानी कि इनके पास कोई भी परमानेंट रोजगार नहीं है। ये श्रमिकों के ऊपर, ग्रामीण भारत के ऊपर मार पड़ती है। जब हम कहते हैं कि 1,09,00,000 नौकरियां एक साल में कम हुई हैं, इसका सीधा असर विकास पे पड़ता है। जब आप कहते हैं हम विकास कर रहे हैं, हम फ्लाईओवर, सड़कें और निर्माण हो रहा है, तो स्वाभाविक माना जाता है जब विकास तेजी से बढ़ रहा है तो संभव है रोजगार मिल रहे होंगे, श्रमिक वहां पर लग रहे होंगे। लेकिन जब श्रमिक घटते हैं तो आप कैसे इस बात को साबित करेंगे कि विकास हो रहा है? अगर सड़कें, पुल और निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है तो स्वाभाविक है रोजगार भी बढ़ना चाहिए, श्रमिकों की चिंताएं कम होनी चाहिए, लेकिन वो होती दिख नहीं रही। और आप जो कहते हैं कि मेक इन इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया, तो उसकी हकीकत ये है कि दिसंबर जो अभी गया है 2018 में, मात्र 1,00,000 करोड़ का निवेश हुआ है। मात्र 1,00,000 करोड़ का निवेश, जो अगर पिछले साल के निवेश के मुकाबले जो बताते हैं 53-55% कम निवेश हुआ है। आप समझ रहे हैं कि निवेश अगर कम हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो विकास कहां हो रहा है? ये आज देश के युवाओं को पूछने की जरूरत है, क्योंकि मुद्दे क्या है? ये मुद्दा 2019 का बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि आप नौकरियां, आपकी आर्थिक नीतियां ऐसी रही 2016 में नोटबंदी की मार, और 2017 में जीएसटी की मार, और दिल्ली भारत की राजधानी और बहुत से राज्यों में तो देखने में आ रहा है कि सीलिंग लगातार, अगर घरेलू कोई दुकानें चल रही हैं, लोग अपना खुद रोजगार करने की सोच रहे हैं, तो आपको सीलिंग की मार पड़ रही है। नोटबंदी, जीएसटी, सीलिंग ने पूरी तरीके से इस देश की जो अर्थव्यवस्था की कमर को तोड़कर रख दिया है। आज के इंडियन एक्सप्रेस के आंकड़े गूगल करिएगा, बहुत से ऐसे आंकड़े आपके सामने तथ्यों के साथ रखे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आज भारत की मोदी बीजेपी सरकार को मंदिर और मस्जिद इन सब में उलझाने से बेहतर होगा आप अपने 5 साल के कार्यकाल के ऊपर लोगों में जाएं और वोट मांगें। अगर आपने इंडस्ट्री लगाई, अगर विदेश से निवेश आया, जिसे आपने FDI को 100% कर दिया था, पहले 55-49 कुछ 51-49% FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, जिसे आपने, आपकी सरकार ने, मोदी जी, पूरा 100% कर दिया, और उसके बाद कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस देश में आया, कितने उद्योग इंडस्ट्रीज लगी हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला है, बेहतर होगा आप, क्योंकि आप उसको साबित करें। क्योंकि CMIE कोई राजनीतिक दल, कोई राजनीतिक दल का नेता नहीं है जो ये आंकड़े पेश कर देश और देश के लोगों को गुमराह कर रहा है। ये गैर राजनीतिक एक संस्था है जो 1976 से देश की अर्थव्यवस्था पे काम कर रही है, और जिनका आंकड़े का, जो लोगों का सर्वे उन्होंने लिया, 1,58,000 लोगों से बातचीत करके जो सर्वे आया है, मुझे लगता है आप उसको कैसे झुठलाएंगे? आप राफाल के ऊपर चर्चा को झुठला सकते हैं, झूठे आरोप हैं, लेकिन जो 1,09,00,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं, जो CMIE का आंकड़ा है, उसे आप अगर झुठलाएंगे तो हमें 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 लगेगा कि आपने विकास कार्य पिछले 5 सालों में किया है। जय जवान जय किसान का नारा था, जवान का क्या हाल है सबके सामने है। 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा था, और आज जब आपके 5 साल पूरे हो गए हैं, हकीकत आती है कि 2 करोड़ नौकरियां नहीं, 1 करोड़ नौकरियां आपने प्रतिवर्ष लगभग ले ली हैं आपकी नोटबंदी की वजह से। और महाराष्ट्र का गन्ना किसान, कर्जा नहीं है बैंकों का, 11,000 करोड़ गन्ना किसानों का आपकी सरकार, भाजपा की महाराष्ट्र सरकार के ऊपर बकाया है। किसान ने कर्ज लिया, गन्ना उगाया, गन्ना आपकी महाराष्ट्र सरकार को बेचा है, उस सरकार क्यों पैसा इस गन्ना किसान का नहीं दे रही है? 11,000 करोड़
विकास कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था तेजी से दौड़ रही है, तो बैंकों में पैसा आना चाहिए, सरकार के खजानों में पैसा आना चाहिए। और इस किसानों का जो पैसा गन्ना किसानों का देना है, आप 11,000 करोड़ क्यों नहीं दे रहे? मैं आप सभी से कहूंगी, कितनों को रोजगार मिला, कितनों का रोजगार छीना गया, इन सबको जो है आप जमा घटा करेंगे तो कुल कितना रोजगार बचा है अगर आप देखेंगे तो प्लस नहीं माइनस में जा रहे हैं। और इन सब का जवाब विपक्ष को नहीं देना, उस विपक्ष को जो मात्र पूरी लोकसभा में 40 से 45 सीटों पर सिमट के रह गया एक नारे के साथ कि विपक्ष मुक्त सरकार, विपक्ष का नेता भी केंद्र सरकार ने नहीं दिया क्योंकि आपसे प्रश्न नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी आज 380 से पूर्ण बहुमत की प्रचंड सरकार भी मुट्ठी भर विपक्ष के सामने संसद में लोकसभा में घुटने टेकते हुए दिख रही है। राफाल हो, मोदी जी ने अपना जो है लोकसभा का प्रचार शुरू कर दिया है, नॉर्थ ईस्ट से उम्मीद लगाए बैठे हैं क्योंकि वहां से नॉर्थ ईस्ट से पिछली बार वोट सीटें नहीं आई थी, इसलिए वहां पर गुमराह करना, वहां जाकर बताना बहुत आसान है कि आपने क्या किया है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश जाएंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मुक्की खाकर आए हैं आप, क्योंकि वहां के लोगों ने आपको अपने राज्य की पूरी सांसद की सीटें इसलिए दे दी थी कि आपने उनसे कुछ वायदे किए थे, आप उन वायदों को पूरा करने में नाकामयाब हो गए, चाहे किसान हो चाहे बेरोजगारी हो, इसलिए मुक्की खानी पड़ी। वहां जाने की आप हिम्मत नहीं दिखाएंगे, वहां हार गए, इसलिए आप नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, आप केरला में अपना हिंसा करके वोट लेंगे। आप अब लोगों को गुमराह करने उन राज्यों में जा रहे हैं जिन राज्यों में आपने 2014 में वोट और सीटें नहीं दी थी, लेकिन जहां आपको लोगों ने सीटें दी थी वो लोग तो आपसे पूछेंगे, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश, बिहार और आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के इलाकों का आता है। जनता तो आपसे इस बेरोजगारी के मुद्दे पर, क्योंकि हम चाहते हैं मुद्दों पर बहस हो, मंदिर मस्जिदों के नाम पर इस देश को जो है भटकाया नहीं जाए, मुद्दों पर आइए। एक परिवार पर हमला कर आप देश का भला नहीं कर रहे हैं, आप उस परिवार पर हमला करके उसे खत्म कर दीजिए हिंदुस्तान की राजनीति से, पर जो मुद्दे खड़े हुए हैं, बेरोजगारी और किसान, महंगाई, महिला सुरक्षा, वो कैसे खत्म करेंगे? बेहतर होता एक परिवार पर हमला करके उसे खत्म करने की बजाय, उसे जीरो करने की बजाय, अगर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं पर, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और बलात्कारों को अगर खत्म करते, अपना पूरा जोर विदेशी दौरों पर, अपने प्रचारों पर, जो प्रचार एक साल अभी आपका जो है इनका एक साल पहले ही शुरू हो चुका है, नॉर्थ ईस्ट से हो चुका है, वहां गुमराह करना आसान है। नोटबंदी पर के 2000 के नोट बता रहे मार्केट से गायब हो चुके हैं, काले धन पे लगाम लगाने आए थे, सबसे बड़ा नोट 1,000 रुपए का था, मालूम नहीं डिग्री असली होती, पढ़ाई 80 से की होती, थोड़ा बहुत ज्ञान होता तो ये बता पाता कोई इन्हें, या ये समझ पाते देश के प्रधानमंत्री जी कि काला धन इसलिए खत्म किया 1,000 का नोट क्योंकि सबसे बड़ा था, लेकिन 1,000 का नोट खत्म करके 2,000 रुपए का नोट जारी किया, आज वो नोट फिर गायब हो गया है बैंकों में, लोगों को 1,000 का तो है नहीं, 2,000 का गायब है, 500 के ही एक अकेला नोट बच गया है, क्यों? क्योंकि 2,000 का नोट लोगों ने वापिस जमा कर लिया है, वापस जमा कर लिया है। ये आपकी कमजोरी, 1,000 खत्म किया, 2,000 कर लिया, जो 1,000 में काला धन जमा होता था, दो 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 बैग भरते थे काले धन से, अब एक ही बैग में जो है आपके पूंजीपति भाई जो है, साथी जो है, मेहुल भाई चौकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या लेकर भाग गए और आप लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आप हमारे पूर्व राष्ट्र प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से आप प्रश्न करते हैं कि ये उनका किया धारा है, उनका किया धारा तो आगे भी रहेगा, उसको आप इतिहास को मिटा नहीं सकते हैं। बेहतर है अपनी कमजोरी, अपनी गलतियों को पहचानिए। और सबको मैं कहूंगी, मात्र 90 दिन रह गए हैं, काउंटडाउन देश की लोकसभा का शुरू हो चुका है, मुद्दों पर रहेंगे, मुद्दों पर हमला करेंगे, मुद्दों पर बात करेंगे, व्यक्तिगत नहीं होंगे। देश के प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत प्रश्न नहीं कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को 2014 का हमें नारा याद दिलाना होगा। आपका 2014 में नारा था, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, उस मोदी सरकार को 5 साल सत्ता में पूरे होने जा रहे हैं, वापिस प्रचार शुरू करके एक परिवार और मंदिर और मस्जिद पे गुमराह करने का काम किया जा रहा है। आपके सहयोगी घटक
दल एक एक करके आपको छोड़ने का काम शुरू कर दिया है। इवन कि आपकी पार्टी के भीतर ही, भाजपा की पार्टी के भीतर ही अब ये प्रश्न उठने लग गए हैं कि मोदी जी को हटाकर, नितिन गडकरी जी को, अमित शाह को हटाकर राजनाथ सिंह जो है राजनाथ सिंह जी तो कहा जा रहा है, योगी जी को हटाकर राजनाथ सिंह जी को लाना चाहिए, मोदी जी को हटाकर नितिन गडकरी जी को लाना चाहिए और अमित शाह को हटाकर भी एक नाम जो है वो बीजेपी ने दिया है कि उनके सीनियर लीडर ने, क्योंकि बीजेपी के बीच में भी, आरएसएस के बीच में भी अब हलचल शुरू हो चुकी है। उन्हें भी लगने लग गया है कि मोदी जी ने विदेशी दौरों में अपने कपड़ों पर, अपने विज्ञापनों पर ध्यान अधिक दिया है, देश की जो मुद्दे हैं उनके ऊपर कम ध्यान दिया है, इसलिए भाजपा में पूरा ये बवाल खड़ा हो गया है और अब अमित शाह यूपी के अध्यक्ष को भी बदलने की जो है वो मांगे उठने लग गई है। ये मांग आज के इंडियन एक्सप्रेस अगर आप खोलेंगे, उस इंडियन एक्सप्रेस में आपको ये मांगे जो है वो आपको दिखेंगी।